ट्वीन सीसेक्शन डिलीवरी होने के बाद में आपको जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली सावधानी है कि आपको नहाने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। गर्मी में सीसेक्शन हुआ हो या फिर आपका सर्दियों में, जब तक कि आपके जो टांके लगाए गए हैं वो कट नहीं जाते हैं पूरी तरीके से, तब तक आपको बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहिए। उन टांकों को कटने में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, तो इस बीच आपको जरूर सावधानी रखनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अगर गलती से भी उनमें पानी पड़ जाता है या गलती से भी साबुन लग जाएगा तो वो पक जाएंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर देंगे। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा उस टाइम पे गर्मी लगती है, तो आप क्या करें कि आप अपनी बॉडी को पानी से पोंछती रहे कपड़े से, लेकिन आप इस तरीके से पोंछे कि एक बूंद भी पानी जो है आपके टांकों पे नहीं जाना चाहिए, ताकि आपके टांके जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और जब आपके टांके पूरी तरीके से कट जाए तब आप डॉक्टर से परमिशन लेके तभी आप नहाएं, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ना नहाएं। और नहाते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपको साबर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको टब या बाल्टी में पानी लेकर के बहुत ही धीरे धीरे मग्गे से नहाना है। और इस बीच आप ध्यान रखें कि एक बूंद पानी या फिर जरा सा भी साबुन आपके टांकों पर नहीं जाना चाहिए, तो आप बहुत ही सावधानी से नहाएं। एंड दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको अगर ठंडी चीजें नुकसान करती है तो आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी जिससे आपको खांसी या फिर छींक आए, क्योंकि सी सेक्शन होने के बाद में अगर आपको खांसी या छींक आती है तो इसका सीधा प्रेशर आपके टांकों पे पड़ता है, जिससे कि टांके खुलने का भी डर रहता है। तो आपको बहुत ज्यादा परहेज करना चाहिए ठंडी चीजों से, एंड गलती से भी नहीं लेनी चाहिए जो आपको स्पेशली नुकसान करती है। और डिलीवरी होने के बाद आप शुरुआत के 3 महीने जहां तक हो सके गर्म पानी ही पिए। आपको किसी भी हाल में खांसी और जुकाम नहीं होना चाहिए, और अगर बाई चांस आपको छींक या फिर खांसी आती भी है तो आप थोड़ा सा हल्के से पेट पे हाथ लगा के बिल्कुल धीरे से छींकने की कोशिश करें, बिल्कुल भी झटका ना दें, आपको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है एंड आपके टांके भी खुल सकते हैं, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। एंड तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको इस बीच अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना है। जो भी आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया आपको वही चीज लेनी है, आपको किसी की बात नहीं माननी है डॉक्टर के अलावा। इस बीच आपको बिल्कुल भी तली चीजें, चिकनी चीजें या फिर ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। तली और चिकनी चीजें इसलिए मना की जाती हैं क्योंकि इनसे टांके जो है पकने का डर रहता है, तो आपको शुरुआत के 15 से 20 दिन चिकनी चीजों को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है। और इस बीच आप हेल्दी से हेल्दी खाना लें, क्योंकि जितना हेल्दी आप खाना लेंगी उतनी ही जल्दी आपके टांके रिकवर होंगे एंड उतनी ही जल्दी आप फिट हो जाएंगी। इसलिए आपको खाने में बिल्कुल भी अनहेल्दी चीजें नहीं लेनी है, आपको वही लेना है जो कि आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखें एंड अपनी डाइट बिल्कुल डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही रखें। एंड दूसरी बात, 15 से 20 दिन जब आपके हो जाए तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लें कि अब आप हरीरा या फिर मेवा के लड्डू खा सकती हैं, तो जब आपको डॉक्टर आपके परमिशन दे दे तो आपको हरीरा और मेवा के लड्डू जरूर बना के रखने हैं। इनको आपको 6 महीने तक जरूर खाना है, ताकि आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छा मिल्क प्रोड्यूस हो और आपकी बॉडी को भी थोड़ा सा ताकत मिले, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और एक बात ध्यान रखें कि हरीरा में बहुत ज्यादा तेल ना डालें, लड्डू भी जब आप बनाएं तो उनमें भी बहुत ज्यादा देसी घी का सेवन ना करें, एंड आप जब आपके डॉक्टर परमिशन दे दें तो आप थोड़ा थोड़ा देसी घी खाना भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आप उस समय बिल्कुल नहीं खाती हैं तो आपको बाद में बहुत ज्यादा कमजोरी एंड बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डॉक्टर आपको दूध पीने की परमिशन देते हैं, तो आप दूध उस समय जरूर अपना चालू रखें, दूध को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, और वो भी प्रोटीन पाउडर डाल के। एंड ध्यान रखें मलाई वाला दूध बिल्कुल भी ना लें, जब तक आपके डॉक्टर आपको परमिशन नहीं देते मलाई वाले दूध की, तब तक आप उसका बिल्कुल भी सेवन ना करें। जब भी दूध लें मलाई निकाल के ही लें। और आपको जो है सी सेक्शन होने के 6 महीने तक किसी भी प्रकार का वजन बिल्कुल भी नहीं उठाना है, क्योंकि क्या होता है कि सी सेक्शन होने के 1 से 1.5 महीने में तो आपके जो बाहर के टांके होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन जो आपके अंदर तक के टांके होते हैं उनको पूरा रिकवर होने में 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो इस बीच आप ऐसा कोई भी वजन ना उठाएं जिससे आपकी मांसपेशियों में खिंचाव पड़े, इससे क्या होगा कि आपके टांके अंदर के खुल सकते हैं, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, इसीलिए आपको डॉक्टर मना करते हैं। एंड हाँ, आप अपने बच्चे को गोदी बिल्कुल ले सकती हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको सी सेक्शन होने के बाद में सीढ़ियां बिल्कुल नहीं चढ़नी है, शुरुआत के 1 से 1.5 महीने तक आप गलती से भी ना चढ़े, और अगर आपका रूम जो है फर्स्ट फ्लोर या फिर सेकंड फ्लोर पे तो आप 1 से 1.5 महीने के लिए नीचे ही शिफ्ट हो जाए, पर आप गलती से भी सीढ़ियां ना चढ़े, वही आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। जब आप हॉस्पिटल से आ जाती है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं टांकों के ऊपर दवा वगैरह लगाने के लिए एंड कुछ मेडिसिन देते हैं आपको खाने के लिए, तो आपको वो प्रॉपर लेनी है, एंड जो दवा आपको दी जाती है वो आप टांकों पे जरूर लगाएं, जिससे कि आपके जल्दी से जल्दी टांके सूख जाएं। आपको आयरन और जो कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है आपको वो बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है, वो आपको शुरुआत के 6 महीने तक जरूर लेनी है।
वो इसलिए दी जाती है ताकि आपकी बॉडी में आयरन एंड कैल्शियम की कमी ना हो, क्योंकि बच्चे प्रॉपर दूध पिएंगे वो भी दो दो, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप उस समय अपनी खिलाई पिलाई एंड दवा वगैरह टाइम से नहीं लेती है तो आपको बाद में बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगी, उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप बाद में धीरे धीरे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत एंड कमजोरी आएगी। सेक्शन होने के बाद में आप अपने मालिश जरूर कराएं। हाँ, उस समय आप अपने पेट में मालिश नहीं करा सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने हाथों में, पैरों में, पीठ में एंड सर में तेल जरूर ठोकना है एंड बॉडी में मालिश भी जरूर करवानी है। अगर आप उस समय मालिश नहीं करवाती हैं तो बाद में क्या होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में, कमर में, घुटनों में एंड हाथों में, पैरों में, ज्वाइंट में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, तो आप मालिश बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। जैसे ही आपको लगता है सी सेक्शन होने के 10-15 दिन बाद आप थोड़ा बहुत ठीक फील कर रही है, वैसे आप तुरंत मालिश कराएं, मालिश को आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। और एक बात और ध्यान रखें कि आपको सी सेक्शन होने के 6 महीने तक ज्यादा काम काज नहीं करना है, आप बहुत ही हल्का हल्का काम करें, क्योंकि उस समय आपको डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, तो आपको बेड रेस्ट जरूर लेना चाहिए, स्पेशली शुरुआत के 2.5 से 3 महीने तो आप जरूर लें, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए उस समय बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी उस समय बिल्कुल डैमेज हो जाती है, इसलिए बॉडी को थोड़ा रेस्ट की भी जरूरत होती है, तो आप रेस्ट जरूर लें एंड आप काम करें तो हल्का फुल्का काम करें, वो भी 1 से 1.5 महीने के बाद धीरे धीरे स्टार्ट करें एंड एकदम से आप बहुत ज्यादा काम ना करें, उस समय आप ज्यादा काम काज में ना लगी रहे, जहां तक हो सके आप अपना ख्याल रखें प्लस अपने बच्चों का ख्याल रखें एंड अपने खान पान और अपनी बॉडी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे फिर तो आपको काम करना ही करना है। सेक्शन होने के बाद में आगे की ओर झुक के कोई भी काम नहीं करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो आप कोशिश करें आप जो है शुरुआत के 1 से 1.5 महीने तक तो बिल्कुल भी ना झुके एंड उसके बाद में आप अगर कोई भी चीज उठाती भी है तो आप पहले आराम से धीरे नीचे बैठे उसके बाद में उठाएं, डायरेक्ट ना उठाएं, जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाए फिर आप आराम से झुक सकती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है एंड आपको जल्दी से जल्दी रिकवर होने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप सी सेक्शन होने के बाद में बहुत ज्यादा बैठी ना रहे, आप ज्यादा से ज्यादा आराम करने की कोशिश करें और सी सेक्शन होने के बाद में आप जो है कोशिश करें कि धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा टहले, पर बहुत धीरे धीरे एंड जितना आप टहल सकती हैं, इससे क्या होगा कि जितना आप थोड़ा थोड़ा टहलेंगी उतनी ही जल्दी आपके टांके रिकवर होंगे, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है एंड आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही सावधानी रखनी है। अगर आप ये सारी सावधानियां रखती हैं तो आप बहुत ही जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी, इसलिए आपको जरूर रखनी चाहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।